एक हफ्ते से ये ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है पूरे एक हफ्ते से ख़राब है और 3 दिन हो गए मुसलसल सप्लाई बंद है और सप्लाई लाइट ना होने की वजह से कारोबार सारे मुतासर हैं और रोज़े की वजह से सारे नमाज तरावी के लिए लाइट नहीं, वज़ू के लिए लाइट नहीं, कोई भी रोज़ेदार जो हैं वो भी बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, ज़रा भी लाइट का इंतज़ाम नहीं। एसडीओ के पास बार बार जाते हैं लेकिन एसडीओ हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा। 3 दिन से मुसलसल लाइट बंद होने की वजह से सारे कारोबार ठप हैं, घरेलू औरतें घर में बहुत ज़्यादा खाना पकाने की वजह से परेशान है। ना सर आप देख रहे हैं कि एक हफ्ते से हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, जहाँ हमने रोज़े रखे हुए हैं, हमने कारोबार शुरू किए हुए हैं, जिसकी वजह से लाइट बंद है। लाइट आ नहीं रही है, 3 दिन से लाइट आ ही नहीं रही है, 7 दिन से ख़राब है और 3 दिन से लाइट आ नहीं रहा है। एसडीओ क्या कर रहा है? गए हैं तो वो आगे से धमकियाँ लगाता है। क्या कर रहा है एसडीओ? अपनी तौर से वो लोड शेडिंग बंद कर रहा है। देखें आप, हम मोजद शहरियाँ रहने वाले, हमारा क्या बनेगा? अब हम इबन एक हफ्ता से लाइट बंद है, कभी कभार आती है तो ट्रांसफार्मर में नक्स बता देते हैं। इसकी वजह से ना तो मसाजिद में पानी आ रहा है और ना ही इस पर 3 बैंक भी हैं जिनकी लाइट बंद है। और हमारी जो गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर को तब्दील किया जाए, इसकी जगह नया ट्रांसफार्मर हमें दिया जाए। रमज़ान का ये बाबरकत महीना जिसमें हमने रोज़े रखने हैं, अपना कारोबार करने हैं ताकि हम अपना निज़ाम चला सकें, लेकिन ये बिजली ना होने की वजह से हमारे सारा निज़ाम दरम भरम हो चुका है। एसडीओ के सब पास गए हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि आप कुछ पैसे पे करें तो हम ये ट्रांसफार्मर आपको चेंज करवा देते हैं। सर हम बिल पे करते हैं, जो बिल आते हैं बिल्कुल अदायगी के साथ, फिर उसकी किस बात के पैसे? बराए मेहरबानी फरमा के इसको ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाए ताकि हमारी जो सप्लाई है बिजली की वो पूरी हो सके। हमारी अपील है वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ साहब से कि वो ख़ास इस बात का नोटिस लें।